और मैंने आपका सिर चूमने नहीं दिया, कौन सा पाप किया था? आप बताओ कौन सी गलती की, कौन सा जुल्म किया मैंने 45 साल, कौन सा अन्याय किया मैंने? मैं चाहता था आपको सिर नहीं गिराना पड़े कमलनाथ जी का। मुझसे कौन सी गलती हुई, कौन सा अन्याय किया मैंने? मैं आपका सर झुकने नहीं देना चाहता था। जी हाँ, अपने गढ़ छिंदवाड़ा में भावुक हो गए पूर्व सीएम कमलनाथ। इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यहाँ तक कि सबसे चर्चित सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस और कमलनाथ के हाथ से निकल गई। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ बीजेपी के विवेक बंटी साहू से हार गए। अब कांग्रेस छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से इस हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में शुरुआती दिनों में नजर नहीं आए वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने अब फिर मोर्चा संभाल लिया है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय अमरवाड़ा में कांग्रेस से विधायक कमलेश शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है, जहां से बीजेपी ने फिर से आदिवासी राजा कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने आदिवासियों के पवित्र धार्मिक स्थल अचलकुंड के छोटे सरकार धीरन शाह पर दांव लगाया है। अब कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के लिए प्रचार करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ मैदान में उतरे हैं। एक जनसभा के दौरान कमलनाथ भावुक हो गए और जनता से अपनी गलती पूछी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह को लेकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो समाज सेवी हैं, लेकिन हमने उन्हें मना कर मैदान में उतारा है। अगर वो जीतते हैं तो विधानसभा में मेरे साथ बैठेंगे और यहाँ की जनता की आवाज बनेंगे। और मैंने आपका सिर चूमने नहीं दिया, कौन सा पाप किया था? आप बताओ कौन सी गलती की, कौन सा जुल्म किया मैंने 45 साल, कौन सा अन्याय किया मैंने? मैं चाहता था आपको सिर नहीं झुकाना पड़े कमलनाथ के कारण। ये बनना नहीं चाहते थे उम्मीदवार, इसकी कहानी बता दूं आपको। इन्होंने इनकार कर दिया था मैं नहीं रहूंगा उम्मीदवार। मैंने महाराज जी से खबर भेजी कि धीरेन को चुनाव लड़वाना है, तब उन्होंने स्वीकार किया। तो ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेवक है। ये विधानसभा में बैठेंगे, मेरे साथ बैठेंगे और ये अकेले नहीं होंगे। हम मिलकर ये पूरे छिंदी क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, इसको लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ 3 जुलाई को छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ 4 से 5 सभाएं की। वहीं बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है। खबर है कि ऐन चुनाव के वक्त कमलनाथ खेमे से एक विकेट और गिरने वाला है। चर्चा है कि छिंदवाड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष और कमलनाथ के बेहद खास संजय पुनहार भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा में हैं और अमरवाड़ा सीट जीतने में बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। अगर जिला पंचायत छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से निकलती है तो लोकसभा और नगर निगम जाने के बाद ये कमलनाथ के लिए भी तीसरा बड़ा झटका होगा।